नमस्कार, मैं हूँ यूसुफ अली। इस समय हम खड़े हैं वालियू के खैरपाड़ा में। ये खैरपाड़ा का ये जो एरिया है, यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता परदेशी करमाकर साहब हमारे साथ में खड़े हैं। इन्होंने चंद दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, उस वीडियो के बारे में इनसे हमने चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हो वो वीडियो। उस वीडियो में देख कर हमें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस दौर में जब 2 साल शुरू हुए, कोरोना महामारी फैल रही है, तब से क्या प्रशासन ने यह मान लिया कि बाकी की बीमारी खत्म हो चुकी है? मच्छर जो पनप रहे हैं वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत, ये एक क्षेत्र नहीं, ये एक वीडियो नहीं, ऐसे हजारों वीडियो हम अलग अलग क्षेत्र में जाकर बना सकते हैं। लेकिन चूँकि इन्होंने आवाज़ उठाया है, तो हम इनसे मुलाकात करने आए हैं। ये नाला आप हमारे पीछे देख सकते हो, इस नाले में, ये नाला सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने आवाज़ उठाया, बहुत अच्छा आवाज़ उठाया, इसके लिए एग्जांपल है। यहाँ मच्छर की ब्रीडिंग किस तीव्र गति से हो रही है, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। अब मैं सवाल ये करना चाहता हूँ वसई विरार महानगर पालिका स्वच्छता विभाग से कि क्या कोरोना ने ये गारंटी ली है कि मलेरिया नहीं होगा? क्या कोरोना होने के बाद में डेंगू नहीं होगा? इन मच्छरों की ब्रीडिंग रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या महानगर पालिका ने इस बारे में कार्रवाई की? शासन से कितनी निधि आती है? महानगर पालिका टैक्स वसूल करती है, करोड़ों रुपया वो जाता कहाँ है? तो मेरे सवाल ये जारी रहेंगे, हम अभी एक बार चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार सर। सबसे पहले आपको सलाम, आपने वो आवाज़ उठाई जो आवाज़ कोई उठाता नहीं है, ज़मीन से लगी हुई ऐसी आवाज़ जिसके अंदर गटर के अंदर आप उतरे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? बिल्कुल, जनता से जुड़ा हुआ आवाज़ था ये, मैंने उठाना प्रयास किया कि वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में जो गटर बना हुआ है, खुले गटर है, उसमें समय समय पर जंतुनाशक औषध छिड़काना चाहिए था, मगर वसई विरार महानगर पालिका जो अधिकारी है उनका दुर्लक्ष के कारण ये गटर पे कीटनाशक औषध या जंतुनाशक औषध छिड़काव करते नहीं है, जिसके वजह से यहाँ रहीवासी है, जनबस्ती है, बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ उनको शाम होते ही ये मच्छर चारों तरफ फैल जाता है, जिसके कारण लोगों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आपको एक बात बता दूँ, वसई विरार महानगर पालिका इतने बड़े एरिया है, इसके बावजूद भी जनसंख्या करीबन, आपको बता दूँ कि 25 लाख से ऊपर जनसंख्या है, और इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी बॉम्बे सरकार सुसज्ज हॉस्पिटल यहाँ नहीं है, जिसके कारण कई लोगों को मृत्यु हो रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मच्छर के वजह से कोई प्रकार की बीमारी भी हो जाता है, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, गैस्ट्रो ऑस्टेराइटिस, सारी का ऐसा घातक बीमारी का सामना करना पड़ता है लोगों को, मगर वसई विरार महानगर पालिका जो खुले गटर पर पानी जमा होने के कारण कचरे के वजह से जो मच्छर उत्पन्न हो रहा है या पैदा हो रहा है, उसको रोकना जरूरी है। उन्होंने समय समय पर कीटनाशक या जंतुनाशक औषध छिड़काव नहीं किया था, जिसके कारण आज परिस्थिति गंभीर है। कमाकर साहब, मेरी ऐसी जानकारी है कि ये गटर जहां का आपने वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, जी, उसमें आपने अपने पैसे से लाकर दवाई डाली क्या? मैंने प्रयास किया था कि एक सोशल वर्कर के नाते, एक जागरूक नागरिक के हिसाब से कि मैं कुछ सेवा कर सकूँ, तो मैं अपने पैसे से दवा ला के इस गटर पे, नाले में और कोई अंदर बहुत सारी परिस्थिति इतनी खराब है, आप देख नहीं सकते हो, जहाँ हजारों लाखों मच्छर पैदा हो रहा है और लोग परेशान उसके वजह से, मगर वसई विरार महानगर पालिका अधिकारी या कर्मचारी समय पर आकर उसको किस प्रकार के उत्पत्ति को कम करना है या उसको नियोजन किस तरह से करना है, ये महानगर पालिका की तरफ से दिखाई नहीं देता है। तो क्या हम ये मान लें कि वसई विरार महानगर पालिका जो है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवा दूसरा कोई काम करने में इच्छुक नहीं है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न मुझे आपने पूछा है, क्योंकि वसई विरार महानगर पालिका 64 करोड़ रुपये दिया जाता है केंद्र सरकार से खर्च करने के लिए, मगर उन्होंने सिर्फ 2 करोड़ रुपये खर्च किया है, और जिसके कारण आज लोगों की परिस्थिति इतना दुर्दशा हुआ। मैं आपको बता दूं, एक तरफ से ये पूरे गटर का बना हुआ एरिया है, लोग किस प्रकार से जी रहे हैं और मजबूर है जीने को। मैं एक आग्रह करता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि वसई विरार महानगर पालिका इस प्रकार जहाँ भी गटर पर मच्छर पैदा हो रहा है, उत्पत्ति हो रहा है, उसको समय समय पर कीटनाशकों से छिड़काव करे, ताकि लोगों को निरोगी रह सके। और मैं एक और कहना चाहता हूँ आपको कि सिर्फ बैनर पे और एडवर्टाइजिंग में ग्रीन वसई, क्लीन वसई या स्मार्ट सिटी ऐसा नहीं होता है, उसमें जमीन लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर काम करना चाहिए वसई विरार महानगर पालिका को।
तो ये हम बात कर रहे थे कर्माकर साहब से, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता है, इन्होंने किस तरह से अपनी बात को रखा है। और ये मैं आह्वान करना चाहता हूँ वसई विरार महानगर पालिका की जनता से कि आप भी अपने क्षेत्र में हो रही ऐसी परेशानियों को उजागर करें और महानगर पालिका तक पहुँचाएँ, ताकि उनको कम से कम ये एहसास हो कि वो किस मुकादते में रह रहे हैं। और महानगर पालिका ही नहीं, शासन तक ये सब चीज़ें जानी चाहिए। और कहीं ना कहीं वसई विरार महानगर पालिका के नवनियुक्त आयुक्त जो है, उनसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जब लगाम कसेंगे तो आपके कनिष्ठ अधिकारी है वो बराबर काम करेंगे, नहीं तो यहाँ की जनता किस हालात में हो जाएगी, इसका आने वाले समय में जो दुष्परिणाम है हमको भोगना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।